जय श्री राम मित्रों। व्यक्ति क्यों बिगड़ जाता है? माँ के गर्भ में जीव को क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं? मित्रों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं अनुसरण करने योग्य है, तो सभी काम छोड़कर कथा को सुनिए अवश्य और कथा को शेयर भी अवश्य करिए। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावौ, परम रहस्य मनोहर गावौ। मित्रों, व्यक्ति के बिगड़ने के चार साधन होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना, सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ऊंचा पद मिल जाना। इन चारों चीजों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। यदि विवेक है तो ये चारों चीजें ही व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और विवेक जो है वो सत्संग से प्राप्त होता है। यदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेशु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ माता ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, वह व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि देवताओं, वेदों, ब्राह्मणों और गौ माता का हमेशा सम्मान करें। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय माम मत्यः कुरुते चर्वा विडम्बनाम। मित्रों, भागवत के एक प्रसंग में भगवान कपिल जी माँ देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं, कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में भी मैं उसे मिलने वाला नहीं। उसकी मूर्ति पूजा में तो ऐसे ही है जैसे राख में किया गया हवन। माता देवहूति ने पूछा, मातृ गर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा, न सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह है। कपिल जी बोले, यह मत पूछो माता, माँ के गर्भ में जीव को जितनी तकलीफ होती है उतनी न पहले कभी होती है और न कभी बाद में होती है। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी, यह जीव अपनी माता के गर्भाशय में झिल्ली में लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह जीव पिंजड़े में बंद पड़े पक्षी के समान पराधीन एवं अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट होता है कि हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मात्र गर्भ में पलते हैं वे जीव के कोमल शरीर को काटते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, सुने कौन। कभी माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो इसको कष्ट होता है, माँ कभी गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो इसको कष्ट होता है। सातवां महीना आते ही जन्म जन्मांतर के कर्म इसको याद आते हैं और भगवान की स्तुति करता है, परमात्मा से कहता है, हे भगवान, एक बार मुझे गर्भ से निकालो, गर्भ से बाहर करो प्रभु, ऐसा भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में नहीं आना पड़े। भगवान कहते हैं, तुम गर्भ में ही स्तुति करते हो, बाहर आते ही सब भूल जाओगे। जीव कहता है, सत्य कहता हूँ, एक बार गर्भ से बाहर निकाल कर देखो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। नौवां महीना पूर्ण हुआ, दसवां मास आरंभ हुआ और जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया, जीव मात्र गर्भ से तुरंत संसार में आ जाता है। माता देवहूति ने कहा, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गया तो अब सुख मिलेगा। कपिल जी ने कहा, माता, सत्य कहता हूँ, बाहर भी सुख नहीं है। अच्छा मित्रों, आप ही कमेंट में बताना, मैं आपसे पूछती हूँ कि सुख मिला किसी को? आप बिल्कुल सत्य समझना, मैंने कई कई विद्वानों, बलवानों, धनवानों को नजदीक से देखा है, वो एक दूसरे को सुखी बताते हैं, स्वयं कोई भी सुखी नहीं है।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मित्रों, बाहर भी सुख नहीं काहे का सुख, बालक जन्म लेता है पलने में सो रहा है, उसे मच्छर काट रहे हैं लेकिन बता नहीं सकता कि मुझे क्या तकलीफ है। थोड़ा और बड़ा हुआ, बच्चे ने अपने मन को तीन जगह में बांट दिया, माँ पिताजी और भाई में। और बड़ा हुआ तो मन मित्रों में बट गया, अब पढ़ने जा रहे हैं साहब, मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोही धर्म से खावे, पेट भरने की विद्या सीखने जा रहे हैं। पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर आए, माता पिता ने शादी कर दी। अब तक माता में ममता थी, पिताजी में अनुराग था। सारी ममता और अनुराग की डोरी को श्रीमती जी के पल्लू से बांध दी। जब तक शादी नहीं हुई बेटा, तब तक माता पिता का था। बेटे की शादी होते ही बेटा पराया हो गया, फिर माता पिता का कहना नहीं करेगा, श्रीमती जी का कहना करेगा। युवावस्था ऐसे बीत गई, बुढ़ापा आया तो रोगों ने ग्रस्त कर लिया, और जैसे जीव आया था वैसे ही चला गया। पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम, बार बार जन्म लेता है बार बार मर जाता है, बार बार माता के गर्भ में आता है, इस आवागमन से छुटकारा मिल नहीं पाता। संसार की इन विषम परिस्थितियों से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। माना कि कर्म सभी संसार के करें, परंतु परमात्मा से प्रीति भक्ति नहीं तोड़ें। परमात्मा के प्रति प्रीति भक्ति के तीन साधन हैं, तीन धाराएं हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से, परमात्मा के प्रति विश्वास करो। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, यदि विश्वास नहीं है तो पूजा और भक्ति का फल नहीं मिलेगा। चाहे कितनी भी पूजा करिए, चाहे कितनी भी भक्ति करिए, पूजा का मतलब है मन में विश्वास हो, विश्वास हो फलदायक है। भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन परमात्मा के प्रति विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीनों ही बातें आएंगी कैसे? श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस जी का श्रवण करो, कीर्तन से परमात्मा के नाम का गान करो। जब प्रभु के नाम को गाएंगे तो नाम को गाते गाते मन पवित्र होगा, फिर मन में चिंतन की भावना बढ़ेगी, चिंतन से फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, फिर आध्यात्म के किसी प्रसंग के साथ आप श्री के सम्मुख उपस्थित रहने की कोशिश करेंगे तो बोलो जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, ये प्रसंग, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।